प्रभो। हाँ बोलिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक प्रश्न नहीं, जितने प्रश्न चाहती हो वो सब पूछ लो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु किसी का घर यदि कल्प वृक्ष के नीचे हो फिर भी वो गरीबी का जीवन बिताए, कष्ट का जीवन बिताए, इसे क्या कहते हैं। अरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले को तो आनंद से सुख जीवन व्यतीत करना चाहिए। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला भी यदि गरीब बना रहे तो इसको क्या कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी पहेली मत बुझाओ, साफ साफ पूछो क्या पूछना चाहती है। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभो पूछना यही चाहती हूं कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। यही प्रश्न गत जन्म में भी हमको परेशान कर रहा था कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। पिछले जन्म में मैं आपकी पत्नी सती के रूप में थी, राम कथा के निरादर के कारण अपने पिता के यज्ञ में जलकर राख और खाक हो गई थी, और पुनः तपस्या करके पार्वती के रूप में भी आपको पति रूप में हमने प्राप्त किया, लेकिन गत जन्म का प्रश्न आज भी हमको परेशान कर रहा है कि ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। लेकिन बंधुओं माताओं, कल की कथा में आपने सुना था कि सती जी कह रही थी ये राम ब्रह्म नहीं हो सकता है, आज पूछ रही है ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। गत जन्म में प्रश्न संशय के रूप में था, और संशय का विनाश होता है। गीता में भगवान ने बोला, संशयात्मा विनश्यति, और जिज्ञासा का समाधान होता है। पार्वती के रूप में संशय नहीं है, जिज्ञासा है, ये राम भगवान कैसे हो सकता है, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। और बंधु माताओं, बहुत दिन पार्वती जी को नहीं, इस देश में भी बहुत दिन लग गया लोगों को जानने में कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, राम भगवान कैसे हो सकता है। और जिन लोगों ने राम की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दिया, वो आज राम की पूजा करने के लिए दर दर घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे, हमको पूजना, हमको पूजना। आज वो पूजने के लिए परेशान है, और कभी सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि राम ईश्वर नहीं है, वो तो एक राजा का बेटा है। और यही प्रश्न गूंज रहा है पार्वती जी के मन में, ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ईश्वर कैसे हो सकता है। लेकिन इस जन्म में जिज्ञासा के रूप में प्रश्न है, इसलिए इसका समाधान भगवान शंकर करेंगे। जिज्ञासा का समाधान होता है, ये भारत की महान शास्त्र परंपरा है। जब शिष्य अपने गुरु के पास जिज्ञासा का भाव लेकर जाता है प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, तो गुरु गदगद होकर उस प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन जब संशय के साथ जाता है तो प्रश्न का भी नाश होता है, व्यक्ति का भी विनाश होता है। बंधु माताओं, पार्वती जी ने कहा कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म के जो हमने लक्षण पढ़े हैं, जो लक्षण हमने सुने हैं, वो इस राम में घटित नहीं होते। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता, ब्रह्म तो अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो सबके उर में रहता है, ब्रह्म तो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है। ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ब्रह्म तो अकर्ता होता है, वो दिखता नहीं है, बिना दिखे वो सारी लीलाएं करता रहता है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, नाच नचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो
बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नच नचाने वाला, नच नचाने वाला, नच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, फिर भी कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, उसे तराने वाला सारी, उसे तराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, कौन है, बोल बोल कौन है, फिर भी कौन है, बोल बोल कौन है, फिर भी कौन है। बिनु पद चलाही सुने बिनु काना, बिनु पद बीनु कराम करे बिना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बिनु पानी पक ताबड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, कर बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहही ग्रान बिनु पास अशेषा, ग्रहही ग्रान बिनु पास अशेषा। बंधु माताओं, पार्वती जी का क्या जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा थी राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये राम ईश्वर कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार अव्यक्त विराट होता, सबके उर में रहता, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक होता है।
ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता? और प्रभु यदि राम ब्रह्म है तो निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ, सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा, और अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर पैदा क्यों होना पड़ा। और यदि राम ब्रह्म है तो उस राम के जन्म की कथा को, मांगलिक विवाह की कथा को, राज्याभिषेक के समय घटी वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, जानकी हरण से लेकर रावण मरण और पुनः राम के राज्याभिषेक की कथा हमको विस्तार से सुनाइए। और प्रभु यदि इस बीच में कुछ पूछने से भूल गई हूं तो सारी कथा हमको विस्तार से, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह चैल तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह चैल तुम्हारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लोक कल्याणकारी कथा मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है। बंधुओं माताओं, जो पार्वती जी की जिज्ञासा है वो अकारण नहीं है, वो सकारण है। पार्वती जी की प्रश्नावली के उत्तर में ही हमको राम कथा प्राप्त हुई, जगत को राम कथा प्राप्त हुई भगवान शंकर के श्री मुख से। ये हमको सारी कथा सुनाइए कि निर्गुण सगुण कैसे हुआ, निराकार साकार कैसे हुआ, अव्यक्त व्यक्त कैसे हुआ, विराट सूक्ष्म कैसे हुआ, सबके उर में रहने वाले को किसी के उदर में क्यों रहना पड़ा, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा के घर बेटा बनकर क्यों पैदा होना पड़ा। और जब पार्वती जी ने प्रश्नावली खोली है बंधुओं माताओं, भगवान शंकर समाधि में चले गए। दर्शन करिए, भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए, भगवान शंकर भगवान राम की लीलाओं में डूबने लगे, देहभान शून्य होने लगा, श्वास की गति तेज हो गई, शरीर से पसीने की बूंद आने लगी। देहभान शून्य होने लगा कि मैं कैलाश में हूं कि मैं अयोध्या में हूं, अयोध्या में हूं कि चित्रकूट में हूं, चित्रकूट में हूं कि किष्किंधा में हूं, किष्किंधा में हूं कि लंका के रणांगन में हूं। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की लीलाएं चलने लगी बंधुओं माताओं, और भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर गए। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद आ
सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की लीलाएं चलने लगी। बंधु माताओं, इसी को समाधि कहा गया है, भक्ति मार्ग की समाधि इसी को कहा है जो आज भगवान शंकर को लग गई। बंधु माताओं, एक योग मार्ग की समाधि होती है, वो मेरा विषय नहीं है क्योंकि मैं योग मार्गी नहीं हूं। महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग सूत्र में जब अष्टांग योग की चर्चा की, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आठवां अंग समाधि बताया। समाधि को कई भागों में विभक्त किया है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, धर्म में एक समाधि, अनेक प्रकार की समाधियों का वर्णन है, लेकिन वो योग मार्ग की समाधि है, वो मेरा विषय नहीं है। हम लोग भक्ति मार्गी हैं, हम भजन मार्गी हैं। बंधु माताओं, हम भजन मार्गियों के लिए समाधि किसे कहते हैं जानते हैं आप? समाधि में दो शब्द हैं, दर्शन करिए, एक है सम, दूसरा है धी। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। बुद्धि जब सम हो जाती है तब समाधि लगती है, न उसमें तेजस्विता होती है, न उसमें डिप्रेशन होता, न अवसाद होता है। बुद्धि सम हो जाती है तो समाधि। और बंधु माताओं, समाधि शब्द कितना सुंदर है। वैसे तो सम शब्द से जो भी शब्द बनते हैं मिलकर हिंदी साहित्य में, वो बड़े सुंदर होते हैं। समाधि, समधि, संबंधी, संबंध, समाचार, समशीतल, समवाय, संभोग, सम, जितने शब्द आप देखेंगे समाधि। भगवान शंकर समाधि में गए और ये भक्ति मार्ग की समाधि है। दर्शन करिए कैसी होती है भक्ति मार्ग की समाधि। भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम की लीलाएं चल रही हैं। ऐसे हम सब भक्ति की समाधि, भजन की समाधि लगा सकते हैं। कैसी होती है देख लीजिए। आप यहां कथा मंडप में बैठे हैं और यहां जितने भाई बहन माई बाप बैठे हैं, आपको कथा मंडप में बैठे बैठे भी आपको अपना घर दिखलाई पड़ रहा होगा, आपको अपना कमरा भी दिखलाई पड़ रहा होगा, अपने कमरे की आलमारी भी दिखलाई पड़ रही होगी, आलमारी की तिजोरी भी दिखलाई पड़ रही होगी, तिजोरी के गहने भी दिखलाई पड़ रहे होंगे, और उस तिजोरी की चाबी आप छिपा कर कहां आए हो ये भी दिख रहा है। कथा मंडप में बैठे बैठे भी घर मकान दुकान खेती व्यापारी सब दिखता रहता है। इसी को पलट दीजिए समाधि हो जाएगी, इसी को उल्टा कर दीजिए समाधि हो जाएगी। समाधि परिवर्तन का नाम है। बंधु माताओं, जैसे कथा मंडप में बैठे बैठे घर संसार मकान दुकान व्यापार दिखता है, ऐसे ही घर मकान दुकान व्यापार का काम करते करते बाहर का शरीर तो दुकान मकान चलावे और भीतर भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लगे, भीतर भगवान की लीलाओं का सुमिरन होने लगे, इसी का नाम समाधि है। परमात्मा ने जो दायित्व तो दिया है उसका निर्वहन करना चाहिए। भागने से भगवान नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिला है। परमात्मा ने जो दायित्व तो दिया है और जिस दायित्व तो को आपने स्वीकार किया है वो पूरा ही करना चाहिए, लेकिन यह विवेक, यह बोध रखना पड़ेगा कि अंततः हमको करना क्या है। भगवान शंकर की समाधि लग गई और पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही थी कि अरे समाधि खोलो तब तो उत्तर दोगे। हमने पूछा है ये राम ब्रह्म कैसे हो सकता है? और बंधु माताओं, भगवान शंकर की समाधि टूटी है और भगवान शंकर के नेत्र खुले, सामने पार्वती जी देखी,
पार्वती जी को भगवान शंकर ने देखा, उत्तर देने से पहले दो बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। और क्यों धन्यवाद दिया? सिया राम जय जय राम। कारण पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब यहां पर देखिए, भगवान शंकर मैया पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, होता क्या है, प्रश्न जो पूछता है उसको धन्यवाद देना चाहिए उत्तर देने वाले को। बंधु माताओं, जो प्रश्न पूछता है उसको धन्यवाद देना चाहिए, यहां उल्टा हो रहा है, प्रश्न पूछने वाले को ही धन्यवाद मिल रहा है। जैसे मैं आपसे समय पूछूं, क्या समय हुआ, तो आप हमको जब समय बताओगे तो ये शिष्टाचार है कि मैं आपको कहूं धन्यवाद थैंक यू। और यहां उल्टा हो गया। उल्टा क्या हुआ, पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, उन्हीं को धन्यवाद मिल रहा है। जानते हो क्यों आज पार्वती जी को धन्यवाद क्यों मिल रहा है जानते हो? क्योंकि पार्वती जी ने कोई सामान्य प्रश्न नहीं पूछा है बंधु माताओं, कोई सांसारिक प्रश्न नहीं पूछा है, जगत के कल्याण का प्रश्न पूछा। भगवान शंकर धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं, देवी भगीरथ की गंगा तो कुछ प्रदेशों को ही पवित्र करती है, उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक दो चार छह प्रांतों को ही पवित्र करती है, कोई 4-6 हजार किलोमीटर की ही यात्रा करती है, लेकिन तुम्हारी ये राम कथा रूपी गंगा देश प्रदेश क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ते हुए लोगों को पवित्र करेगी। और देवी सुनो, राम कथा और भगीरथ की कथा में क्या अंतर है, भगीरथ की गंगा और राम गंगा में क्या अंतर है? भगीरथ की गंगा के पास पवित्र होने के लिए चलकर जाना पड़ता है, प्रयाग जाना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, लेकिन देवी ये जो तुम राम कथा रूपी गंगा प्रकट करने जा रही हो, इसके पास लोगों को चलकर नहीं जाना पड़ेगा, ये स्वयं लोगों तक चल चल कर आएगी और लोगों को पवित्र और पावन किया करेगी। देखिए आपके नगर में आ गई चल के, आप थोड़ी गए कथा के पास, ये कथा गंगा स्वयं आपके पास आई है, इसलिए भगवान शंकर ने धन्यवाद दिया। और सुनो देवी, तुमने जो ये पूछा कि निर्गुण सगुण कैसे हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम लोगों के मन में भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न, और मैं केवल प्रश्न नहीं कह रहा हूं, मैं एक शब्द अतिरिक्त जोड़ रहा हूं, इस प्रकार के खुराफात चलते रहते हैं। खुरापात क्यों कह रहा हूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी भगवान न तो निर्गुण है न तो सगुण है, वो न निराकार है न साकार है, न अव्यक्त है न व्यक्त है, न विराट है न सूक्ष्म है, फिर हम विभाजन न करें। पार्वती जी तो सगुण निर्गुण तक ही टिकी थी, हम तो अपनी बुद्धि को कितना छोटा कर लिए, हमने देवताओं को अपने भगवानों को जातियों में बांट लिया,
सभी जाति की अलग अलग देवता हो गए। बंधो माताओं, हम तो बंटते चले ही जा रहे हैं, कम से कम भगवान को तो न बांटें, भगवान को न बांटें। इतनी छोटी बुद्धि नहीं रखना चाहिए, इतनी छोटी बुद्धि नहीं रखना। भगवान जीवन में किसी को नहीं बांटे। भगवान चार भाई थे, भगवान चार भाई थे। निषाद राज गु से मिले तो कहने लगे कि हम तो चार भाई थे, आज हम पांच हो गए। दर्शन करिए, निषाद राज गुह के मिलने के बाद केवट से मिले, कहने लगे आज हम पांच भाई थे, आज तक आज हम छह हो गए। सुग्रीव से मिले, आज तक हम छह भाई थे, आज हम सात हो गए। विभीषण से मिले, ये कंब रामायण में कथा आती है, कंब रामायण में विभीषण से मिले, कहने लगे विभीषण आज तक हम सात भाई थे, आठ हो गए। मंधो माताओं, भगवान भाइयों की संख्या बढ़ाते चले गए, किसी को बांटा नहीं, किसी को बांटा नहीं। हम बांट देते हैं कि ये इनका भगवान, ये इनका भगवान, ये इनका, नहीं। हम पहले से ही पर्याप्त बटे हुए हैं, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पर नहीं। जितना बंटते जाएंगे उतना कमजोर होते जाएंगे, उतना टूटते जाएंगे। बंधु माता, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे, 75 वर्ष। हम परतंत्र हुए ही क्यों थे, इस पर कभी विचार करना चाहिए गंभीरता से, क्योंकि हम बटते चले गए, छोटे छोटे टुकड़ों में होते चले गए, परतंत्र होते चले गए। तो ये स्वतंत्रता यदि अक्षुण रखनी है, चिरकाल तक स्थायी रखनी है, तो हम सबको एक बनकर, मजबूत बनकर रहना पड़ेगा। बंधु माता, भगवान शंकर ने कहा देवी, भगवान न तो निर्गुण है न सगुण है। सिद्धांत की चर्चा भगवान शंकर मैया पार्वती से कर रहे हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावै मुनि पुराण बोध वेदा, गावै मुनि पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख आज जोई, अगुण अरूप अलख आज जोई। भगत प्रेम वस सगुण सो होई, भगत प्रेम वस सगुण सो होई। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा। भगवान न तो सगुण है न तो निर्गुण है, भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। बंधु माताओं दर्शन करिए, भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। भक्त जिस रूप में चाहता है परमात्मा उस रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि वो प्रेम से पुकारता है। और परमात्मा को प्राप्त करने की केवल एक शर्त है बंधु माताओं, कोई दूसरी शर्त ही नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने की केवल एक शर्त है, प्रेम। देखो, आप किसी को जब चेक देते हो, चेक, तो चेक में पहले देने वाले का नाम लिखा जाता, जिसको आप दे रहे हैं, और उसके नीचे
रुपया लिखा जाता है, आप कितना दे रहे हैं। बंधु माता, अंकों में लिखने के बाद शब्दों में रुपया लिखा जाता है। किसी को 10,000 देना है तो आप क्या लिखते हैं चेक में? रुपये 10,000 केवल लिखते हैं कि नहीं, या मात्र? तो जैसे आप लिखते हैं कि हम इनको 10,000 केवल दे रहे हैं, वैसे ही भगवान भी क्या कह रहा है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जान प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जे जान निहारा, जान ले ओ जे जान केवल प्रेम से प्रकट होता है। बंधु माता, भगवान शंकर भगवान के अवतार का, भगवान के प्राकट्य का, भगवान के जन्म का मूल कारण बता रहे हैं। बाकी कारण तो वो आपने कथाओं में सुना होगा, मैं भी संक्षेप में सुनाऊंगा, लेकिन परमात्मा के प्रकट होने का जो मूल कारण है वो है भक्त का प्रेम। भक्त के प्रेम की पुकार सुनकर परमात्मा बिना वाहन लिए, बिना साधन लिए, बिना अपनी चिंता किए हुए दौड़ता है, न जाने कितनी बार दौड़ा है। बंधु माता, न जाने कितनी बार दौड़ा है परमात्मा भक्तों के प्रेम की पुकार को।